दोस्तों, आप सभी का हेल्थ टुडे चैनल में स्वागत है। बच्चे को जन्म देना एक कठिन शारीरिक प्रक्रिया है। गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। इसी तरह प्रसव के बाद भी कई बदलाव आते हैं, जैसे शरीर काफी कमजोर हो जाता है। इस दौरान आपके शरीर और दिनचर्या दोनों में परिवर्तन आ जाता है। स्वास्थ्य, खाना खाने की स्थिति और थकान का स्तर बढ़ जाता है। जब औरत माँ बनने वाली होती है तो उसके बॉडी में कई चेंजेस आते हैं, पर ये बदलाव डिलीवरी के बाद खत्म नहीं हो जाते बल्कि लगातार होते ही रहते हैं। प्रसव के बाद आपको अपने आप पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, खास तौर से पहले सप्ताह में। इसलिए इन परिवर्तनों का सप्ताह कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रसव के बाद क्या क्या बदलाव होते हैं और हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो कृपया कमेंट करें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। दोस्तों, पहले सप्ताह में मां के शरीर में क्या बदलाव होते हैं, हम आपको सबसे पहले यह बताएंगे। इसमें यूट्रस में दर्द महसूस हो सकता है, खासकर स्तनपान कराने पर यह दर्द शुरू हो सकता है, क्योंकि इससे यूट्रस सिकुड़ने लगता है। स्तनों में दर्द भी महसूस हो सकता है। इनके आकार में बदलाव भी होता है। प्रसव के दूसरे या तीसरे दिन से आकार बढ़ने लगता है, जो थोड़ा असुविधाजनक हो सकता है, और पेट भी मुलायम लगता है। प्रसव के बाद कुछ सप्ताह बाद तक डिस्चार्ज होता है। शुरुआत में यह विजाइनल डिस्चार्ज लाल रंग का होता है, कुछ दिनों बाद इसका रंग भूरा गुलाबी होता है और धीरे धीरे यह और भी हल्का होता चला जाता है। आप इस बात से भी न घबराएं, कुछ दिनों बाद यह बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगा। सामान्य प्रसव के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव के कारण पेशाब रोकने में परेशानी हो सकती है। हंसते, खांसते या छींकते हुए पेशाब भी आ सकता है। प्रसव के बाद मां के लिए आराम और पौष्टिक भोजन बहुत जरूरी होते हैं। डॉक्टर की सलाह लेकर वह किसी अच्छे प्रशिक्षक की देखरेख में हल्का फुल्का व्यायाम भी शुरू करना चाहिए, और पानी का सेवन भी बहुत ही जरूरी होता है। यह आपके शरीर को ताकत देता है और उसे डिहाइड्रेट रखता है। बच्चों को दूध पिलाने के दिनों में भी शरीर को ज्यादा से ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। बच्चे को शुरुआती दिनों में सही तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए पिलो का यूज आप कर सकते हैं। इससे आपको आराम मिलेगा और बच्चा भी राइट पोजीशन में ब्रेस्ट फीडिंग कर पाएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण टिप्स है कि आप नई नई मां बनने के बाद एक किट तैयार कर लें, जिसमें अपने जरूरत का सारा सामान अपने बिस्तर के पास ही रख लें। इससे आपको दिक्कत नहीं होगी और बार बार उठना भी नहीं पड़ेगा। इस दौरान आपको स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। प्रसव के बाद अपने हाथों को साफ रखें, गर्म पानी से हाथों को साफ करें ताकि आपको सर्दी न लगे। अगर आपको सर्दी लग जाएगी तो बच्चे को भी सर्दी लग जाएगी, जो उसके लिए घातक साबित हो सकता है। हाथों के धुलने से जर्म आपकी बॉडी में संक्रमण नहीं फैला पाएंगे। प्रसव के बाद गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। पेट और पेट के निचले हिस्से को दिन में कुछ देर गर्म पानी की सेक दें। इससे आपके दर्द से राहत मिलेगी। प्रसव के बाद महिलाओं को कई बार यूरिन की दिक्कत हो सकती है। वह ज्यादा तेज हंसे या खांसे तो उन्हें पेशाब आ सकता है। इससे न घबराएं, यह सिर्फ कुछ दिनों तक ही समस्या रहती है। आप गर्म पानी से सेक लेने से ऐसी समस्या से आराम पा सकते हैं। डिलीवरी के बाद मूत्राशय में संक्रमण होने का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, उसमें सूजन आ जाती है। ऐसे में हर पेशाब जाने के बाद दर्द होता है।
आप ज्यादा मात्रा में पानी पिए और गुनगुने पानी से सेंक ले। इस तरह से आराम मिलेगा और ऐंठन में भी राहत मिलेगी। प्रसव के बाद हर औरत को इन सभी टिप्स पर गौर करना चाहिए, क्योंकि इस अवधि में शरीर सबसे नाजुक दौर से गुजरता है। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है। इन बातों का ध्यान अगर आप रखोगे तो आपका अच्छे समय बीतेगा और किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया कि प्रसव के बाद पहले कुछ दिनों में, जैसे कि एक सप्ताह के अंदर, क्या क्या परेशानी महिला को होती है, माँ को होती है, और उसने किस तरह इन बातों को अमल करके उस समस्या से आराम पाना है और घबराने की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बातें बताई। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथी।